तो हाँ भाई, बस्ती के लोगों, तो क्या हाल चाल है? ऊपर तक क्या बढ़िया और अच्छे होंगे। तो आज हम इस में स्कॉर्पियो काउल प्राइवेट बस मोड का रिव्यू करेंगे। तो इस बस मोड को V1 मोड्स एंड लिवरीज मेकर चैनल ने बनाया है और इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उधर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटे को भी जरूर दबाए और हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हम उधर भी ड्राइविंग रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर अच्छा है और एक पुराना बस मोड है, लेकिन ओवरऑल बस मोड बहुत ही कमाल का है। तो सबसे पहले हम इसके इंजन साउंड को देखेंगे। तो चलो इसके इंजन साउंड की ओर। तो भाई लोग, आप लोगों को कुछ इस तरह का एक बढ़िया सा एक्सटीरियर को मिलेगा। तो आगे का हेडलाइट यूनिट कुछ इस तरह का है और पीछे का टेल लाइट का डिज़ाइन भी आप इधर देख सकते हो। तो पुराने दिनों में आपको कुछ इस तरह के बसेस देखने को मिलता था, अभी फ़िलहाल आपको लेटेस्ट वाले बसेस देखने को मिलेंगे। तो इसका इंटीरियर अच्छा है कि सबको इंटीरियर पर भी लाइट्स देखने को मिलता है जो कि बढ़िया है और डोर एडमिशन से डोर 180 डिग्री ओपन होता है, इसका भी इफेक्ट अच्छा है। और इस मोड में आपको तीन तरह के एडमिशन की देखने को मिलेगा। तो पहले वाले एन की से डेस्टिनेशन बोर्ड चेंज होता है और दूसरे वाले एन की से एयर इनटेक ओपन होता है और तीसरे वाले एन की से वो एक्स्ट्रा लाइट्स गायब होता है, जो कि आप इधर रूप में देख सकते हो। तो इसका एडमिशन की डिसेंट है, सबको उतना बढ़िया एडमिशन की देखने को नहीं मिलता और इन्हें एटलीस्ट विंडो ओपनिंग वाला एडमिशन की देना चाहिए था, तब और भी बढ़िया होता। और आप इधर इसका इंटीरियर देख सकते हो, आपको थोड़ा वुडन फिनिश वाला इंटीरियर देखने को मिलता है। तो इसका डैशबोर्ड का फिट एंड फिनिश भी अच्छा है और डिटेलिंग भी बढ़िया है। तो आपको इसमें अशोक लेलैंड का स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको इल्यूमिनेशन देखने को मिलता है, लेकिन आपको कोई भी डायल या इंडिकेशन देखने को नहीं मिलता। और आपको ऊपर की तरफ एक गॉड का पोर्ट्रेट देखने को मिलेगा, मतलब पूरा डेकोरेटिव आइटम्स भी आपको देखने को मिलता है इस मोड में, जो कि ओवरऑल बढ़िया है। और मैप का पोजिशन भी ठीक ठाक है और इसका स्पीड बढ़िया है और ब्रेकिंग भी अच्छा है और स्टीयरिंग फीडबैक भी अच्छा है। तो ओवरऑल बहुत ही स्टेबल मोड है, आपको इसे चलाने में ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आएगा, आप इसे बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। और जैसे आप हेडलाइट लाइट को ऑन करोगे तो एक्स्ट्रा एलईडी लाइट्स ऑन होता है, मतलब पोर्ट्रेट के चारों ओर आपको एलईडी लाइट्स देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कमाल का है। और आपको इसके विंडशील्ड पर रियलिस्टिक रेन इफेक्ट और उसके साथ साथ वाइपर सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इसमें कोई भी पैसेंजर या ड्राइवर देखने को नहीं मिलता, जो कि एक डाउन साइड है, अगर ड्राइवर होता तो और भी बढ़िया होता। तो इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर अच्छा है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया है, तो एक अच्छा मोड है। तो नीचे कमेंट करें कि आपको ये मोड कैसा लगा, मुझे तो बढ़िया लगा। और अगर आपके पास कोई भी मॉडल ड्रेसेस हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मैं आपसे अगली में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।